नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स, और लिमिट्स में आज हम कर रहे हैं लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथम फंक्शंस। अब लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में आपको इतना नहीं पता क्योंकि लॉगरिथम चैप्टर इन्होंने कम कर दिया। कुछ थोड़ा सा मैंने शुरू किया था लॉगरिथम एक्सेल कोर्स, लेकिन कुछ कारणों से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो कुछ बेसिक चीजें बता दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपको पता है भैया, जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में होंगे, और लॉगरिथम फंक्शन जो होगा उसमें जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो लॉग के जो तीन रूल है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है मैं बता देता हूं आपको, कि अगर लॉग m इंटू एन हो, दो नंबर्स का प्लस हो और उसका लॉगरिथम आप निकाले, तो इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग n के। ये पहला रूल है। उसके बाद में अगला रूल बोलता है कि लॉग m अपॉन n अगर हो तो उसका मतलब होता है कि लॉग m माइनस लॉग n। और तीसरा होता है कि लॉग m रेस टू n हो, मतलब किसी नंबर की एक्सपोनेंट में देके रखा तो n आ गया जाता है और log m, मतलब जरूरत पड़ने पर हम ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार ये, मतलब कुछ जगह पर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे, कुछ जगह पर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे। ठीक है, यहां आते हैं। यहां देखिए, पहला फार्मूला हमको देके रखा है, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, जो होता है वो लॉग ई के इक्वल होता है, दैट इज वन। ठीक है, आगे आते हैं। यहां पर सेकंड फार्मूला देके रखा है कि लॉग x टेंस टू जीरो a पावर x माइनस वन अपॉन x, ये जो होगा log a के इक्वल होगा, जहां पर a जो है a इज ग्रेटर देन जीरो एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यार देखो, आपको ना अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ये जो एक्सरसाइज हमारे आने वाली है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको ये जो सेकंड फार्मूला है ना इसी के ऊपर बनेंगे। ये जो सेकंड फार्मूला है ना, ये फार्मूला लग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इस फार्मूले को थोड़ा समझ लीजिए, मतलब अगर आपके पास में ऐसा आ जाए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और ऐसा हो जाए फाइव पावर एक्स माइनस वन अपॉन यहां पर एक्स हो जाए, तो ये लॉग फाइव के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक ही जगह पर जो नंबर आएगा वो उसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो मैं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का उपयोग होने वाला है तो हमारे सेकंड फार्मूले का ही उपयोग होने वाला है। ये जो फार्मूला है सेकंड वाला, इसका सबसे ज्यादा उपयोग होना है। हालांकि सभी का होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, जैसे आप करते थे कि साइन एक्स लिमिट एक्सटेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स अगर आता है तो हम उसको वन लिख देते थे, तो आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम उसको उस फॉर्मेट में लेके आते थे। तो वैसे यहां पर भी आपको उस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, जहां भी पावर एक्स दिखेगी मतलब आपको उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो वैसे उसको बढ़ेंगे। आगे देख रखा थर्ड फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स पावर वन अपॉन एक्स, मतलब यहां पर एक्स की जगह पर ये जो एक्स है ये पूरा का पूरा वन अपॉन एक्स के फॉर्म में होगा, तो ई के इक्वल होगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दैट इज लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स अगर होगा तो वो वन के इक्वल होगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर पी एक्स माइनस वन अपॉन पी एक्स होगा तो ये भी वन के इक्वल होगा। यहां पर पी कॉन्स्टेंट है। अब यार देखा जाए ना, तो ये जो है ना, ये फार्मूला, ये जो पहला वाला है और इसमें कोई फर्क नहीं है, यहां पर पावर पी एक्स है, यहां पर पावर एक्स एक्स है, तो पावर पी एक्स थी तो अपॉन में भी पी एक्स आ गया, मतलब यहां पर पी कॉन्स्टेंट बोला है। वैसे जो सेकंड फार्मूले में यहां पर एक्स लगा था, यहां देखिए सिक्स वाले में पी एक्स लगा के रखा और बोलता है कि पी जो है कॉन्स्टेंट है। आंसर दोनों जगह लॉग ए ही आ रहा है, देखो लॉग ए ही आ रहा है, मतलब जरूरत के हिसाब से आप बदलेंगे। अगला वाला जो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो एक्स की जगह पर उसने यहाँ पी एक्स लगा दिया तो भी वन ही होगा। और उसके बाद में जो अगला वाला ये वाला फार्मूला, उसमें यहाँ पर पी एक्स लगा तो वन अपॉन पी एक्स होगा। मतलब फार्मूले देखा जाए ना, तो शुरू का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बस चार फार्मूले ही मेन है और यही सबकी सब जगह लगने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे फार्मूले तरीके से लिख लो और सारे फार्मूलों के हिसाब से आपकी तैयारी करो। यही क्वेश्चंस, यही फार्मूले हम यूज करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये आपकी टेक्स्ट बुक में देके रखा है, उसके हिसाब से करिए। चलिए, मैं एक्सरसाइज शुरू करने के पहले आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस देके रखे एग्जांपल्स, उसको भी बता दूं। देखिए, मैंने अभी आपको इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन बताया कि लॉग एक्स टेंस टू जीरो फाइव एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो तो क्या होगा, तो यहाँ तो अपॉन में एक्स नहीं है लेकिन अपॉन में साइन है, तो देखो दोनों के आपको साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, ऊपर हो जाएगा लॉग फाइव, ऊपर का सॉल्व करेंगे ये पूरा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा लॉग फाइव, देखो लॉग फाइव आ गया, ऊपर हो जाएगा लॉग फाइव, और साइन एक्स अपॉन एक्स है तो ये हो जाएगा वन, तो आंसर क्या आ गया, लॉग फाइव। चलिए अगले एग्जांपल पर जाते हैं। अगला एग्जांपल भी बिल्कुल उसी तरह का, देखिए यहां पर, यहां देखे रखा है फाइव एक्स फाइव पावर एक्स और थ्री पावर एक्स है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो फाइव पावर एक्स थ्री पावर एक्स और अपॉन में एक्स। अब दोनों जगह मुझे माइनस वन चाहिए, देखो तो इन्हें क्या किया, माइनस वन प्लस कर दिया, देखिए एक माइनस वन कर दिया और प्लस वन कर दिया, भाई एक प्लस और एक माइनस करेंगे तो जीरो ही होगा,
फिर बाद में इस सेकंड वाले पार्ट में से ने इसने कॉमन निकाल लिया, तो 3 पावर x माइनस 1 और 5 पावर x माइनस 1, और इस x को बाद में सेपरेट सेपरेट लगा के log 3 log 5, बिल्कुल ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन आपको बताता नहीं हूँ, ये भी अगला वाला है, लेकिन ये देख लीजिए वैसे के वैसे ही पावर जो है यहाँ पर x की जगह पर जो कांस्टेंट होता है वैसे ही पावर आना चाहिए, तो इसने क्या किया पावर के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लिया और सॉल्व कर लिया, तो चिंता मत कीजिए इसको तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज पे जाते हैं, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। आइए दोस्तों एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या देख रखा है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, और फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 9 पावर x माइनस 5 पावर x अपॉन 4 पावर x माइनस 1। आपको याद होगा कि हमने इसके बिगिनिंग में ही मैंने आपको फार्मूला बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाए a पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर हो जाए तो वो log a के इक्वल होता है। बस हमको इसी कॉन्सेप्ट को इसी फार्मूले को लगाकर हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको जमेगा नहीं, ये बस ये फार्मूला लगाना है। तो अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर तो हमारा उसी फॉर्मेट में है कि 4 पावर x माइनस 1, अपॉन में 4 नहीं है तो हम नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर हम न्यूमिनेटर की बात करें तो है 9 पावर x और 5 पावर x। अब यार दोनों के साथ में मुझे माइनस 1 चाहिए, तो सबसे पहले सिंपल काम करते हैं कि हम एक बार प्लस 1 कर देते हैं एक बार माइनस 1 कर देते हैं, तो लिखिए यहां पर दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 9 पावर x माइनस 1 -5 पावर x प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में इसके लाइन खींच लेते हैं और अपॉन में लगा लेते हैं 4 पावर x माइनस 1, और ये ब्रैकेट हो गया जी क्लोज, ठीक है। ये एक काम हमारा हो गया कि हमने क्या किया, हमने माइनस वन कर लिया प्लस वन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम पेयरिंग करेंगे, एक पेयर इसका बना लेंगे साथ ही में एक पेयर इसका बना लेंगे, जो ये सेकंड वाला पेयर है इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 5 पावर x माइनस 1, तो यहाँ भी इसी फॉर्मेट में आ जाएगा और ये भी है। लेकिन इससे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों के अपॉन में, मतलब ये पूरे के अपॉन में भी x लगाइए, पूरे के अपॉन में भी x लगाइए, ऐसा क्यों, तब जाके हम इस फॉर्मेट में आएंगे। हमारे पास ये फॉर्मेट कब आएगा, जब अपॉन में x होगा, तो यहाँ तो अपॉन में दोनों के अपॉन में x नहीं है तो हमको यहाँ x लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या कीजिए यहाँ लिखिए दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर लिख लीजिए दैट इज 9 पावर x माइनस 1, इसको मैं ब्रैकेट लगा लूँ, माइनस कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा 5 पावर x माइनस 1, इसके अपॉन में x से डिवाइड करो और इसके अपॉन में भी लिख के 4 पावर x माइनस 1 को भी डिवाइड कर दो x, ठीक है। जब भी आप ऐसी कंडीशन में x से डिवाइड करते हो यहाँ लिखिए दैट इज x टेंड्स टू 0 बट x इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा इसलिए कि हम किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और इसीलिए हमको ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं आगे इसमें आता हूँ, इसमें अगली स्टेप पे मैं इसको लिख लूँ दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमको क्या करना है कि ये जो x है ना ये एक बार इसके अपॉन में लिख दो और इसी x को एक बार इसके अपॉन में लिख दो, तो दो बार हमको ये करना है, उसके बाद हम सेपरेट लिमिट ले लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक। अब देखिए यहां पर लिखिए दैट इज 9 पावर x माइनस 1, ओके, -5 पावर x माइनस 1, ठीक है, इन दोनों के अपॉन में सेपरेट सेपरेट x लगा दो, जगह छोड़ के पूरी एक लाइन खींच लो, यहां दोनों के अपॉन में x लगा दो और 4 पावर x माइनस 1 इसके अपॉन में भी x लगा दो और ये ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो लिमिट है ना इस लिमिट को तीनों के साथ लेना है, एक बार इसके साथ भी लेना है, एक बार इसके साथ भी लेना है, एक बार इसके साथ भी लेना है, तो उससे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहां पर दैट इज लिमिट, या ऐसा लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां लिखिए 9 पावर x माइनस 1, ठीक है, अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां लिखिए 5 पावर x माइनस 1 अपॉन में x, और इस पूरे के अपॉन में लगा दीजिए अगेन दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 4 पावर x माइनस 1 अपॉन में x। बस
सभी जगह पर हमें फार्मूला आप लगा दें, हमारा काम हो गया। सीधे फार्मूला लगा देना और कुछ भी नहीं, ठीक है जी। सीधे फार्मूला लगाइए, लिखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा log 9 माइनस ये हो जाएगा log 5 और अपॉन में ये हो जाएगा दैट इज log 4, ठीक है। अब ये आ गया log के फॉर्म में। मैंने आपको log के तीन रूल बताए थे कि log m माइनस log n हो तो क्या होता है, वो होता है log m अपॉन n, ठीक है। तो एक काम करो, अभी इसको हो ये अपॉन में देके रखे, इसको काम करते हैं माइनस में, तो इसको इसके अपॉन में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 4 ऐसा का ऐसे ही, और ये हो जाएगा log 9 अपॉन 5। बस यही इसका आंसर है, ऐसे इसको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से इसको आप कर सकते हो। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने पहले भी बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ फार्मूले पता होना चाहिए, आराम से हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह का है, अब इसको कैसे करेंगे आप, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पर a 5 पावर x देकर रखा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, 5 पावर x प्लस 3 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो यार अपॉन में तो इसने x देके ही रखा है ना, अब हमको सिर्फ ऊपर का अरेंज करना है। तो ऊपर के अरेंजमेंट के लिए काम कीजिए, लिखिए दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 5 पावर x प्लस 3 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 1 है। देखो यहां पर ये इसके साथ में माइनस वन तो है, ठीक है, लेकिन ये दो खाली पड़े हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक प्लस और एक माइनस कर लेते हैं, प्लस वन माइनस वन, ठीक है, और पूरे के अपॉन में एक्स लगा देते हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो ये वाला है हम इसका पेयर बनाएंगे क्या, जी नहीं, हम जब माइनस टू पावर एक्स जब लेंगे तो उसके साथ में प्लस वन वाला लिख लेंगे, और ये माइनस वन वाला एक बार फाइव पावर एक्स के साथ ले लो, और एक बार ये माइनस वन वाला 3 पावर एक्स के साथ ले लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं, यहां लिखिए दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 5 पावर एक्स माइनस 1 प्लस 3 पावर एक्स माइनस 1 माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1, और ये अपॉन में लगा दो सबके x, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखिए यहां पर दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 5 पावर x माइनस 1 प्लस 3 पावर x माइनस 1, और माइनस को कॉमन निकालो तो 2 पावर x माइनस 1, और अपॉन में ले लो x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसके अपॉन में x ले लेंगे, फिर इसके अपॉन में भी x ले लेंगे, इसके अपॉन में भी x ले लेंगे, तीनों के अपॉन में हमको x ले लेना है सेपरेट सेपरेट, और काम हो जाएगा। लिखिए यहां पर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दैट इज 5 पावर x माइनस 1 5 पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस log, सॉरी log नहीं लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है, 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस, यहां प्लस नहीं आएगा, यहां माइनस आएगा, माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x। बस हमारा जो फार्मूला है दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x अगर होगा तो log a के इक्वल होता है, तो हो गया ये लिमिट लगा, फार्मूला लगा दो यहाँ पर, हो गया जी। लिखिए यहाँ पर ये हो जाएगा दैट इज log 5 प्लस log 3 माइनस log 2, और log में जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो सॉरी प्लस में होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो log 5 इंटू 3 माइनस log 2 हो गया, तो ये हो गया log 15 माइनस log 2, और log जो माइनस में होते हैं अपॉन में हो जाते हैं, तो log 15 अपॉन 2। आपने यहाँ पर दो फार्मूले लगाए हैं, दोनों फार्मूले यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये जो प्लस वाला लगा है लिख लो यहाँ, log m प्लस log n अगर हो तो log m इंटू n होता है, और log m माइनस log n अगर हो तो log m अपॉन n होता है, ठीक है। इन दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ बॉक्स बना के, मतलब आपके भी ध्यान में रहेगा कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो,
आसानी से हो रहे हैं, वो छोटे छोटे से क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधे सीधे फार्मूले लगाना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ए पावर एक्स प्लस बी पावर एक्स प्लस सी पावर एक्स माइनस थ्री दे के रखा है अपॉन साइन एक्स दे के रखा, तो हो गया काम। ये माइनस थ्री को तीन बार माइनस वन लिख दो और फिर सबके अपॉन में ऊपर वाले के अपॉन में भी एक्स लगा दो, न्यूमिनेटर के भी और डिनोमिनेटर के अपॉन में भी एक्स लगा दो क्योंकि अपॉन में साइन एक्स है, सीधा सीधा सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से हम इसको करेंगे। यहाँ लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा ए पावर एक्स माइनस वन प्लस बी पावर एक्स माइनस वन प्लस सी पावर एक्स माइनस वन। ये माइनस तीन जो है ना, मैंने इस माइनस तीन को एक दो और तीन जगह बांट दिया, ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में मुझे एक्स ले लेना है, इस पूरे के अपॉन में मुझे एक्स लेना है और फिर जो बचा है उस पूरे के अपॉन में साइन है, साइन एक्स के अपॉन में भी एक्स ले लेना है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप ऐसा करें तो आप यहाँ लिखिए कि हियर एक्स टेंस टू जीरो है एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है। जब भी हम किसी को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड जीरो नहीं होना चाहिए, तो उससे पूरा बिगड़ जाएगा काम, तो इसीलिए यहाँ लिखा होता है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट इज स्टैंडिंग, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो बट इट इज नॉट अ जीरो, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये पूरे के साथ में एक्स को लिख लेना है, ये पूरे के साथ में एक्स को लिख लेना है, ये पूरे के साथ में भी एक्स को लिख लेना है सेपरेट सेपरेट, और अपॉन का अभी ऐसा का ऐसे रहने दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दैट इज ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस बी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन में पूरे के अपॉन में दैट इज साइन एक्स अपॉन एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। बस आपको अब क्या करना है भैया, ये सबके साथ में मतलब इसके साथ में लिमिट लगा लो पहले वाले के साथ में, ठीक है, वैसे ही ये दूसरे वाले के साथ में भी लिमिट लगा लो, ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले के साथ में लिमिट लगा लो, ठीक, और वैसे ही ये जो तीसरा वाला है इसके साथ भी लिमिट लगा लो, एक मिनट रुको, ये तीसरे के साथ भी आपको लिमिट लगा लेना है, ठीक है, और एक मिनट रुको, हाँ जी इसको थोड़ा छोटा कर ले, और अपॉन में जो है ना ये अपॉन वाले के साथ में भी लिमिट लगा लेना, ये जो अपॉन में देके रखा है ना साइन वाला, इसके साथ में भी लिमिट लगा लेना, सबके साथ में लिमिट लगा लो, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप सब सेपरेट सेपरेट लिख लो, मैं यहीं लिख लेता हूँ ऊपर, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस यहाँ लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और इस पूरे के अपॉन में, ठीक है, यहाँ लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, दैट इज अमेजिंग। अब क्या करेंगे, सिंपल हो गया, ऊपर वाला लिख लो फार्मूला, तो मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पर क्योंकि इसका फार्मूला होगा लॉग ए, ओके, प्लस इसका फार्मूला होगा लॉग बी और प्लस इसका फार्मूला होगा लॉग सी और इसका बनेगा फार्मूला वन, क्योंकि साइन ये जो होता है ये क्या होता है वन के इक्वल होता है, ठीक है, तो लिख दो यहाँ ये, और तीनों मल्टीप्लाई में है, तो मैंने अभी आपको बताया कि लॉग एम प्लस लॉग एन किसके इक्वल होता है, वो लॉग एम इंटू एन के इक्वल होता है, ये फार्मूला ही है, ठीक है, ये जो है ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको यहाँ चेंज कर देते हैं। लिख दीजिए अब यहाँ पर, यहाँ आसानी से डायरेक्ट आंसर आप लिख लीजिए कि भैया लॉग ए इंटू बी इंटू सी, मतलब लिखते समय डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लॉग ए बी सी, ये इसका आंसर है, ठीक है जी, आसानी से हो गया, कुछ भी इस पर डिफिकल्ट नहीं है। ये मैं क्या बोलूँ कि अभी लिमिट में ना, अभी हम जो कर रहे हैं अब लिमिट में, ये सबसे सिंपल पार्ट है लिमिट का जो अभी आप कर रहे हैं, ठीक है, इससे सिंपल लिमिट में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है लिमिट। स्टार्टिंग देखा था ना आपने, आपको लगा था कि कुछ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्या देख रखा है, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो सिक्स पावर एक्स प्लस फाइव पावर एक्स प्लस फोर पावर एक्स माइनस थ्री पावर एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स। तो यार सबसे पहले तो हमको सबके साथ में वन चाहिए, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ लिखिए
दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अपॉन का तो साइन एक्स है ना, तो यहाँ अपॉन में तो दोनों के अपॉन में एक्स लगाना ही हमको फार्मूला करने के लिए, ठीक है। तो सिक्स पावर एक्स को ऐसा कैसे लिखो, फाइव पावर एक्स को भी ऐसे लिखो, फोर पावर एक्स को भी ऐसे लिखो, थ्री पावर एक्स इंटू थ्री कर लो क्योंकि थ्री पावर एक्स प्लस वन है, ठीक है। इंटू थ्री कर लो मतलब क्यों करो बताता हूँ उसको मैं, यहाँ पर आपने इंटू थ्री करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अपॉन में अब लगा दो यहाँ पर, दैट इज साइन एक्स ऐसा कैसे, ठीक है, और इसको कर लो क्लोज। अब देखो यहाँ पर आपको तीन माइनस वन चाहिए, ओके, और तीन यहाँ पर प्लस भी चाहिए, मतलब तीन माइनस वन अगर लगाना है, अगर आपको इसके साथ माइनस वन लगाना है, इसके साथ लगाना है, इसके साथ लगाना है, तो तीन आपको प्लस करना होगा, तीन माइनस करना होगा। तो एक काम करते हैं, हम तीन पहले माइनस कर लेते हैं, लिखो यहाँ पर, यहाँ लिखिए दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सिक्स पावर एक्स माइनस वन प्लस फाइव पावर एक्स माइनस वन प्लस फोर पावर एक्स माइनस वन माइनस थ्री पावर एक्स इंटू थ्री प्लस थ्री। अब ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए ये एक पेयर हो जाएगा, ये एक पेयर हो जाएगा, ये एक पेयर हो जाएगा, और इस पेयर में से थ्री कॉमन निकालो तो ऑलरेडी ये और बंद बदल जाएगा, और सबके अपॉन में, इन सबके अपॉन में अभी ही, इन सबके अपॉन में, सॉरी, इन सबके अपॉन में अभी एक्स लगा दो क्योंकि बाद में एक्स लगने वाला है। फिर पूरी लाइन खींच के साइन एक्स अपॉन एक्स कर दो, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ लिख दो दैट एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज वी आर डिवाइडिंग बाय दिस नंबर, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम। चलिए लिखिए हम यहाँ पर दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब क्या होगा, इसको सेपरेट कर लो, सिक्स पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस, यहाँ से थ्री कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा थ्री पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में लिख दो साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है भाई, पूरा हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको ये पूरे को रूल लगा देंगे यहाँ पर, सेपरेट सेपरेट सबका लिमिट ले लो और काम खत्म, बस आपका आंसर आ जाएगा। लिखो यहाँ पर दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा सिक्स पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फाइव पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फोर पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का थ्री लिमिट एक्स टेंस टू जीरो थ्री पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे के अपॉन में सबके लिमिट लगा दिए ना, ये हो जाएगा साइन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, ओके। अब सीधे सीधे रूल लिख दो सबका, सबके लिए, इसके लिए लॉग सिक्स होगा, इसके लिए लॉग फाइव होगा, इसके लिए लॉग फोर होगा, इसके लिए लॉग थ्री होगा, चलो लिख दो सबका सब, ठीक है। तो लिखो यहाँ लॉग सिक्स प्लस लॉग फाइव प्लस लॉग फोर माइनस थ्री लॉग थ्री, ठीक है, और अपॉन में लिख दो साइन का वन लिख दो, बस खत्म हो गई बात। पहले तीनों का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा लॉग सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर माइनस थ्री लॉग थ्री है, तो लॉग में क्या होता है कि जो ये आगे नंबर होता है ना ये पावर में चले जाता है, तो लिखिए यहाँ ये आएगा लॉग थ्री पावर थ्री, मतलब थ्री पावर थ्री कितना हो जाएगा, थ्री पावर थ्री ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है लॉग सिक्स थ्री ज़ा फिफ्टी, सॉरी सिक्स फाइव ज़ा, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, थर्टी फोर ज़ा वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी माइनस लॉग ट्वेंटी सेवन, ठीक है। तो क्या होगा ये हो जाएगा लॉग 120 अपॉन 27, थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो कर लो, तीन से जब काटेंगे तो हो जाएगा लॉग 40 और तीन से काटेंगे तो नो 40 अपॉन 9, ठीक है, ऐसे इसको करना है 40 अपॉन 9, आपका आंसर चेक कर लीजिए आपकी टेक्स्ट बुक में, ये आया है कि नहीं आया है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है क्योंकि ये कुछ नई चीज़ है। यहाँ देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एट पावर साइन एक्स माइनस टू पावर टेन एक्स अपॉन ई पावर टू एक्स माइनस वन। अब यार कैसे करेंगे, देखो भाई हमको ये पता है, हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अगर है और ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है तो हम इसको लॉग ए लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, इसको हम लॉग ए लिखते हैं। तो यार अब यहाँ पर ए की जगह तो ठीक है एट है, लेकिन पावर यहाँ साइन, यहाँ एक्स चाहिए था, तो यहाँ तो साइन एक्स है,
तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो अपॉन में साइन एक्स चाहिए, वैसे यहां पर 2 पावर 10 है, इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहां पर अपॉन में 10 चाहिए जो कि नहीं है। फिर यहां e पावर 2x है, तो e पावर 2x के लिए भी हमने फार्मूला लिखा है, और यहां पर e पावर 2x-1 है, अब e पावर 2x के लिए भी अपॉन में 2x चाहिए, तो वो हमको करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अब हम क्या करते हैं, थोड़ा तरीके से इसको अरेंज करते हैं। पहला काम, एक काम कीजिए, यहां लिखिए लिमिट एक्सटेंस टू 0 8 पावर sin x -1 -2 पावर 10x+1। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में लगा दो, क्योंकि हमको x तो सभी जगह लगना है तो x मत लगा दो, अभी इसको ऐसे रखो, इसके पूरे के अपॉन में लिख दो यहां पर, दैट इज e पावर 2x-1। थोड़ा पेयरिंग पहले कर लो, फिर हम बाद में डिनोमिनेटर जो चाहिए हम उसको बदलेंगे। ठीक है, जिसके लिए जो डिनोमिनेटर चाहिए हम उसको लेंगे। यहां लिखिए लिमिट एक्सटेंस टू 0 8 पावर sin x -1 ब्रैकेट लगा दो। एक काम करो, यहां अपॉन में साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो, और यहां साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लो माइनस में, यहां से माइनस कॉमन निकालो तो आपके उसके बचता है 2 पावर 10x-1। आपको अपॉन में यहां 10 चाहिए तभी तो सॉल्व होगा, क्योंकि पावर 10 है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 10 से। ठीक है, इतना काम तो हमारा हो गया। अब एक और चीज यहां समझ लो कि हमने यहां पर जिससे डिवाइड किया, जिससे मल्टीप्लाई किया, तो अरेंज हो गया। अब यहां देखिए, यहां मेरे पास क्या है, अभी यहां पर 10 10 sin sin, तो यहां e पावर 2x है। अब लिख लो यहां e पावर 2x-1, इसके अपॉन में मुझे 2x चाहिए, तो 2x से मल्टीप्लाई भी कर दो और यहां पर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर लो। अब क्या करेंगे यार, देखो अभी आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट log 8 हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये log 8 हो जाएगा, वैसे ये वाला भी जो है ये log 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचता है साइन एक्स, मुझे साइन एक्स के अपॉन में भी एक्स चाहिए, क्यों एक्स चाहिए, क्योंकि भैया इसके अपॉन में मैं एक्स नहीं लगाऊंगा तो फिर सॉल्व कैसे होगा, तो यहां भी अपॉन में एक्स चाहिए, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, वैसे टेन एक्स अपॉन एक्स वन होता है। तो यह देखिए, मैंने जो नीचे जो लगा के रखा है, ये इसके नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है। आपको लगता है तो एक काम करते हैं, हम इसको अभी कुछ सेकंड के लिए इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, मुझे इसके अपॉन में भी तो चाहिए ना एक्स, तो हम पूरे के अपॉन में एक्स लगा देते हैं। ठीक है, पूरे के अपॉन में एक्स लगा देते हैं, मतलब आपका काम सिंपल हो जाएगा। मुझे इसको इरेज कर लेने दो, ठीक है, मुझे इरेज करने दो, एक मिनट, यहाँ लाइन खींच लो इसकी। ठीक है, इसको भी इरेज कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए, हो गया जी। चलिए अब सबके अपॉन में लगा दीजिए, यहाँ पर सबके अपॉन में लगा दीजिए, दैट इज एक्स, लिखिए यहाँ पर, दैट इज लिमिट, एक मिनट, यहाँ लिखिए लिमिट एक्सटेंस टू 0 8 पावर sin x-1 upon sin x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, उसको भी ब्रैकेट लगा दो, -2 पावर 10x-1 upon 10x इंटू 10x upon x। ठीक है, ये ब्रैकेट भी क्लोज कर लो, और इस पूरे के अपॉन में मैंने यहाँ अपॉन में x लगाया ना, मैं जो पूरे के अपॉन में लगाना था फिर बाद में सेपरेट करना था, मैंने सेपरेट सेपरेट लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फिर यहाँ लिख दो e पावर 2x-1 upon x, लेकिन मुझे अपॉन में x नहीं चाहिए, 2x चाहिए, तो 2 से भी यहाँ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट क्लोज, बस हो गया आपका काम। ठीक है जी, आपका काम हो गया। मुझे इसको उठा के थोड़ा मैं साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, आपको जगह हो जाएगी यहाँ पर। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, यहीं पर ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप सबके साथ में लिमिट लगा देते हैं, किसके इसके साथ में, इसके साथ में लिमिट लगा दो, वैसे इसके साथ में भी लगा दो, वैसे इसके साथ में भी लगा दो, वैसे इसके साथ में लगा दो। ठीक है, सबके साथ में लिमिट लगा के नीचे ऊपर जितने भी पार्ट्स बन रहे ना, सबके साथ में आपको लिमिट लगा देना है। बस आपने सबके साथ लिमिट लगाया कि आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको नहीं जमेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा आएगा, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं ऐसा। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में दे दूँ। हाँ जी, ओके, छोड़ देते हैं इसको।
चलिए लगा दीजिए लिमिट, यहाँ लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये आएगा 8 पावर sin x - 1 upon sin x इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये आएगा sin x upon x माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 पावर 10x - 1 upon 10x और इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये क्या हो गया, ये हो गया 10x upon x और इस पूरे के अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में आ जाओ, यहाँ लिख दो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e पावर 2x - 1 upon 2x और ये इंटू का 2 बाहर रहने दो। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा लॉग 8 इंटू 1 माइनस लॉग 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू लॉग ही, मतलब ये भी 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लॉग 8 माइनस लॉग 4 अपॉन 2, तो 8 माइनस 4 क्या हो गया, लॉग 8 अपॉन 4 अपॉन 2 हो गया, तो हो गया लॉग 8 माइनस 4 नहीं है भैया, लॉग 4 नहीं है यहाँ पर, ये लॉग 2 है, ये 4 नहीं है, ये 2 है, तो उसको 2 लिख दो और ये भी 2 लिख दो, तो 8 अपॉन 4 लॉग 4 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉग 4 अपॉन 2 क्या होता है, लॉग 4 अपॉन 2 क्या होता है भैया, लॉग 4 जो होता है ना, लॉग 4 को आप लिख सकते हैं लॉग 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 लॉग 2 अपॉन 2, 2 2 भी कट गया, तो आंसर आ गया लॉग 2। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दैट इज लॉग 2। ठीक है, ऐसे इसको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं, आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।